गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिडियोमाइसिटिस, द क्लब फंगाई और फंजाई। सो जो बेसिडियोमाइसिटिस जो क्लास है वो उसका जो नेमिंग है द बेसिडियोमाइसिटिस, वो बेसिडिया की वजह से लिया गया है। बेसिडिया आर द बेसिडियोस्पोर विच फॉर्म इन टू बेसिडियोस्पोर विच हेल्प इन टू द रिप्रोडक्शन, सो दे आर नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एगेरिकस द मशरूम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्यू कैरेक्टर ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस। फर्स्ट द हाइफी, द माइसीलियम। Hyphae is septate, it having a septate hyphae, ki there are a division into the hyphae. Ye septate hai, means it's uninucleate. Hyphae having two, divided into two types. Do type hyphae jo hai, wo two types mein divided ho jati hai. First, the monokaryotic cell uninucleate, means monokaryotic means single nucleus cell, that is known as uninucleate, which is haploid. And the secondary hyphae is dikaryotic cell. Di means two, karyotic means nucleus. So do dikaryotic hoga, uske andar do type, do nucleus present, do nuclei present hongi, known as binucleate. So ab jo structure banega usme jo primary hyphae hai, which is haploid, produce basidiopore. सो जो बेसिडियोस्पोर हैं वो हैप्लोइड हैं, जो प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी हाइफी। नेक्स्ट द हैबिटेट, वी आर सेइंग दैट फंजाई आर द सैप्रोफिटिक। सो द बेसिडियोमाइसिटिस हैं वो मोस्टली डिकम्पोजिंग ऑन वुड्स, वो मेनली डिपेंड करेंगी अपने फूड के लिए ऑन द वुड, लकड़ी के ऊपर वो ग्रो करती हैं। क्योंकि जो बेसिडियोमाइसिटिस होती हैं वो सेलुलोज को और लाइजीन को इजीली डाइजेस्ट कर सकती हैं, सो दे ग्रो ऑन वुड। नेक्स्ट डिस्कस दैट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइफी। द बेसल पार्ट ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस आर मेड अप ऑफ डाइकैरियोटिक सेल, दैट इज नोन एज secondary hyphae, and the upper part where the reproduction organ is produced, the basidiopore, is known as primary hyphae. So this is the structure of the hyphae. Next, ki septate, jo division hai wo kis type ka hoga. The special type of septate present, doliopores. एक स्पेशल टाइप का सेगमेंटेशन होता है बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर, दैट्स नोन एज डोलियोपोर्स। डोलियोपोर में क्या होगा कि द सेप्टा इज नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम वन एंड टू नेक्स्ट एंड, कि ये कम्प्लीट सेगमेंटेशन नहीं होगा, बीच में गैप होगा, पोर लाइक सिचुएशन होगी, दैट्स नोन एज डोलियोपोर। और ये क्लैम्प लाइक फॉर्मेशन, जो ये क्लैम्प्स बन रहे हैं, इस टाइप का क्लैम्प फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो गैप है इसके अंदर, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अपर सेल टू द नेक्स्ट सेल या वन सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग द कैरियोजेनेसिस। कैरियोजेनेसिस में जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ जो प्राइमरी हाइफी है वही ट्रांसफर हो जाते क्लैमिडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर, क्लैमिडोस्पोर्स बनेंगे। द प्लाज्मोगैमी, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जो प्लाज्मोगैमी होगा, मेन जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा एक सेल का दूसरे सेल के अंदर। एंड द कैरियोगैमी, द न्यूक्लियस फ्यूजन इन बेसिडिया, जो प्राइमरी हाइफी है
उसके ऊपर जो बैसिडियो पोर बनेंगे उसके अंदर बैसिडिया होंगे, दे आर मिनट स्पोर्स, स्मॉलर स्ट्रक्चर होगा। दीज स्मॉलर स्ट्रक्चर्स बैसिडियो स्पोर दे आर अराइज और अरेंज इनटू द बैसिडियो कार्प। सो बैसिडियो कार्प प्रोड्यूस द बैसिडियो स्पोर दैट फर्दर जनरेट द यंग वन। सो इस टाइप का इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। सो फर्स्ट द प्लाज्मोगैमी, जो प्लाज्मोगैमी है मीन्स द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा इज टेक प्लेस इनटू द प्राइमरी हाइफी। वहाँ सिर्फ जो साइटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा। द कैरियोगैमी, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस इज टेक इनटू आफ्टर ए डिले टाइम इनटू द बैसिडिया, बैसिडिया के अंदर होगा। एंड आल्सो इन टेक प्लेस इनटू द सेकेंडरी हाइफी विद द हेल्प ऑफ डोलियोपोर्स। जो डोलियोपोर्स हैं वो कैरियोगैमी के अंदर हेल्प कराएंगे। एंड जो सेकेंडरी माइसीलियम हम बनेगा विच इज ए डाइकैरियोटिक, बिकॉज एन प्लस एन इंटू द डिप्लोइडी कंडीशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। कॉमन एग्जांपल्स आर एरिकस मशरूम इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द बैसिडियो माइसिटीज। इसमें फर्दर डिफरेंट स्पीसीज हैं। द स्पीसीज एगेरिकस कंपेट्रिस कंपेस्ट्रिस एंड द बिस्पोरा, ये दो ही स्पीसीज हैं जो क्या है एडिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज है एगेरिकस सिल्वेटिकस, इट इज ए पॉइजनस फंजाई, ये पॉइजन पॉइजन को प्रोड्यूस करेगी। अनदर एग्जांपल्स हैं स्मट्स, द ब्रैकेट फंजाई। द स्मट्स जिसको हम ब्रैकेट फंजाई कह रहे हैं ये बेसिकली प्लांट के ट्रंक के ऊपर, जो ट्री होता है उसके ट्रंक के ऊपर ग्रो करती है। आपने ये जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा कि सम ट्रीज हैविंग ए थिक मास ऑफ फंगस ऑन द ट्रंक, दैट इज द स्मट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैसिडियोमाइसिटीज़।